नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए बहुला चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। बहुला चतुर्थी व्रत की संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब उनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान सिंह का रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला गाय भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि मैं सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वन में वापस आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब मैं भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वालों को धन और संतान का सुख मिलेगा। बोलिए गौ माता की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।